हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बन भूलपुरा में आज से कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। हालात सामान्य होने के बाद डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम ने अब वापस ले लिया है, 10 फरवरी को जारी आदेश किया गया था और उसके बाद अब बन भूलपुरा से पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे थे, तब कुछ घंटों की ढील दी जा रही थी, लेकिन अब डीएम ने आदेश दे दिया है कि हालात जो हैं वो पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं, इसलिए अब कर्फ्यू की जरूरत नहीं है और अब बन भूलपुरा से कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म हो गया है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब हालात पूरी तरह से सामान्य है? देखिए, बिल्कुल हालात बिल्कुल सामान्य है और जो प्रशासन है यानी डीएम है, उन्होंने विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स होते हैं सिटी के, उनसे बात की, जिसमें हिंदू धर्म गुरु भी हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन सबसे बातचीत करके ये फैसला लिया है कि जो 8 फरवरी को एक आदेश दिया था डीएम ने कि पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया जाएगा और 10 फरवरी को जो हल्द्वानी का बनभूलपुरा का दूसरा इलाका, बाहरी इलाका कहना चाहिए, जो हल्द्वानी का मेन इलाका, वहां से कर्फ्यू हटा दिया गया था। लेकिन बनभूलपुरा इलाके में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा तनाव बरकरार था और पुलिस भी लगातार इलाके से गिरफ्तारियां कर रही थी, तो इस दौरान वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन अब इस पूरे इलाके से भी कर्फ्यू हटा दिया गया है। जो कल तक हमें नाइट कर्फ्यू एक दिन के लिए दिखा, वो नाइट कर्फ्यू भी अब नहीं रहेगा, क्योंकि हालात अब हल्द्वानी के सामान्य हो चुके हैं, लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और जीवन पूरी तरीके से पटरी पर लौट सके लोगों का और लोग कामकाज पर लौट सके, इसलिए पूरे हल्द्वानी को खोलने का फैसला लिया है। लेकिन जो पैरामिलिट्री के जवान हैं और जो पुलिस के जवान हैं, वो जगह जगह चौक पर अभी भी तैनात रहेंगे, ऐसा फैसला लिया गया है, एहतियातन ये कदम उठाया गया है। चलिए ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड में सोमवार को 10 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई, 2 वांटेड नामजद आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए, उपद्रवियों को पेट्रोल देने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया। वांटेड तस्लीम कुरैशी और वसीम सिद्दीकी उर्फ हप्पा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक उपद्रवी से पुलिस जवान से लूटे गए कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं अरबाज नाम के शख्स ने उपद्रवियों को पेट्रोल मुहैया कराया था। अरबाज के घर से पुलिस ने 2 गैलन पेट्रोल बरामद किया है। वहीं पूरे मामले में अब तक 68 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, उसके बेटे समेत 4 वांटेड अब भी फरार चल रहे हैं। आज 10 लोगों को और गिरफ्तार किया हमने, तो इस तरीके से अब तक जो है टोटल 68 लोगों की, 68 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जो हमने गिरफ्तार किया है, इनमें 2 और नामजद अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है, तो टोटल 16 में से हमने 12 नामजद अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। 4 अभियुक्त अभी और भी बच रहे हैं जो नामजद है और फरार है, इनकी गिरफ्तारी हम जल्दी ही कर लेंगे।